हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट व्हाट वाज द बेनिफिट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कॉटन मिल्स। इधर पे क्वेश्चन हमसे यह बोल रहा है कि कॉटन मिल के एस्टेब्लिशमेंट से क्या बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर आंसर देखेंगे, फिर इसके बारे में कुछ डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम इधर पे देखते हैं की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट बोल रहा है बेनिफिट ऑफ कॉटन मिल्स। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर बोल रहा है दीज मिल्स ग्रो लार्ज एज चीप लेबर एंड प्लेंटीफुल वाटर पावर मेड ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबल। मतलब इधर पे हमें यह बता रहा है कि कॉटन मिल्स पे चीप लेबर, सस्ती लेबर मिल जाती है, और यह पावर इसके पास किस चीज की होती है, तो वाटर प्रॉफिटेबल की बहुत ज्यादा पावर होती है। क्यों? क्योंकि कॉटन पे आप देखते होंगे, आप कॉटन को लीजिए और कभी भी वाटर पे डिप कर दीजिए, उसके बाद उसे निकालिए तो वह भारी हो जाता है। तो इस तरीके से यह बहुत ज्यादा ही एस्टेब्लिशमेंट इसका बेनिफिट होता है, जो इसकी मतलब प्रोडक्शन करते हैं और जो इसे सेल करते हैं उन्हें, इस तरीके से यह बेनिफिट्स होते हैं। अब हम देखते हैं विच मीन्स दैट द कॉटन कुड बी प्रोसेस्ड इनटू फैब्रिक इन इट ग्रो। मतलब इधर पे बता रहा है इसीलिए कॉटन को फैब्रिक भी बोला जाता है और यह ग्रो इस तरीके से होता है। तो इधर पे हमने यह देखा कि इस तरीके से इधर पे हमने कॉटन को कैसे एस्टेब्लिशमेंट किया और कैसे यह बेनिफिट देता है, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन के बारे में करेक्ट आंसर जाना। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।